हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे किचन कुकिंग फॉर यू में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी बनाना बर्फी की रेसिपी। हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए ओवर राइप बनाना से बनाऊंगी बनाना बर्फी, जो कि बहुत ही यमी लगता है खाने में और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज ओवर राइप बनाना के अंदर जो फाइबर की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और अक्सर घरों में हम ये फेंक देते हैं, हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो अगर आपने एक बार बर्फ़ी बना ली तो यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाएंगे और बनाना कभी नहीं फेंकेंगे फ्रेंड्स। तो इसकी बहुत ही यमी सी रेसिपी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो राइप बनाना, यहाँ पे मैंने 3 यूज़ किया है, आप चाहे तो 4-5 जितनी भी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं फ्रेंड्स आप बना सकते हैं। तो जब बनाना बर्फी आप एक बार बनाएंगे, अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं आप उन्हें सर्व करेंगे या फिर आपके बच्चों को अचानक से कुछ मीठा खाने का मन करता है, आप उन्हें फटाफट से बना करके ये देंगे, क्योंकि इसका प्रिपरेशन टाइम जो है वो सिर्फ 10 मिनट है जी। हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 10 मिनट। तो अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो आपको ये बहुत ही आसान सी रेसिपी लगेगी और यकीन मानिए आप कभी भी ओवर राइप बनाना नहीं फेंकेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, इसमें हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमें चाहिए आटा, गेहूं का आटा चाहिए, और 3 से 4 ओवर राइप बनाना चाहिए हमें, थोड़ा सा घी चाहिए, और अगर आप शक्कर खाते हैं तो शक्कर डालें। यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है वो इसमें मैंने जैगरी यानी गुड़ यूज़ किया है। तो गुड़ और बनाना का जब कॉम्बिनेशन आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। गुड़ में आयरन की मात्रा होती है और बनाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर राइप होने के बाद इसमें फाइबर आ जाते हैं। तो देखिए ये कितना यमी दिख रहा है, इसको मैंने बना लिया है, और आप चाहें तो इसे फ्रिज में स्टोर करके फ्रेंड्स 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए चल के देखते हैं कि इस यमी रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम जो बनाना हमने जो लिया था उसे मैंने मिक्सर ग्राइंड में डाल के पीस लिया था, एक फाइन पेस्ट आप बना के रख लें। फिर हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसे हम गैस पर चढ़ा के हीट होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून करीब घी डाला हुआ है। तो सबसे पहले जो हम इसमें नट्स यूज़ करेंगे दोस्तों, हलवा या बर्फ़ी बनाने के लिए नट्स बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स हो जाता है, आप बिना नट्स के इसे नहीं बना सकते अगर आप खाते हैं तो। तो यहाँ पे जो नट्स लेंगे हम उसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो 4-5 यहाँ पे मैंने बादाम और ये ले लिया पिस्ता, बादाम, काजू, तो इसे मैंने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे, देखा था फ्रेंड्स आपने जब मैंने चढ़ाया था पैन तभी डाल दिया था घी, बिकॉज हमें पैन को हीट होने से पहले ये डालना है कि कहीं ये जल ना जाए। तो इस बात का ध्यान रखें जब ज़्यादा गर्म हो पैन तो आप ये रोस्ट ना करें। तो बिल्कुल ही चढ़ाते के साथ ही 5 से 7 काजू और बादाम को हम इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के बाद ताकि जो इनका हल्का सा कच्चापन है वो फ्रेंड्स बाहर हो जाए, और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, और थोड़ा सा पैन हम फ्लेम तेज़ कर देंगे, गैस का जो फ्लेम है वो हम हाई पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है लगभग 1 कटोरी, 1 कप के हिसाब से, 2 बड़े चम्मच कह सकते हैं। तो देसी घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी यमी आएगा। और अब मैंने यहाँ पे 1 कप इतना गेहूँ का आटा लिया है, वो मैं अब इसमें डालूँगी। फ्रेंड्स, गेहूं का आटा और घी को हमें लगभग कम आंच पे 4 से 5 मिनट तक भूनना है। तो इसको मिक्स कर लेंगे, ध्यान रहे कि हम इसे चलाते हुए भूनेंगे, इसमें लम्स नहीं आने चाहिए। चलाते हुए हम इसे इसका कलर चेंज होने तक, जब ये घी और आटा मिक्स हो जाए, भुन जाए हल्का गुलाबी होने तक, इसका जैसे ही कलर चेंज होगा तब तक हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है आटे को। तो वो आटे ने गोल्डन कलर ले लिया है, अच्छे से भून चुका है हमारा आटा, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है अब इसमें। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लिया था जैगरी, और मैंने इसे 1 कप पानी में भिगो कर रख दिया था। तो ये बात आप ध्यान रखें, जब भी आप बनाने जाएँ बर्फ़ी आप 10 मिनट पहले गुड़ को पानी में भिगो के रख लें। तो अचानक से हम इसे गुड़ नहीं डाल सकते क्योंकि वो फिर लम्स आ जाते हैं इसमें। और अब हम इसमें इस स्टेज पे ऐड करेंगे जो हमने बनाना प्यूरे बनाया था, बनाना का जो हमने पेस्ट बना के रखा था, वो आटा भुन जाने के बाद
करीब 5-7 मिनट भुन जाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे बनाना का पेस्ट। 3 बनाना लिया था मैंने, उसका इतना सा पेस्ट हुआ है। अब मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से अब हम इसमें चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट हमें भूनना है फ्रेंड्स इधर, ताकि जो बनाना का कच्चापन है वो चला जाए और ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाए। जो आटा हमने लिया था वो इसको बाइंड करने लग जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो गुड़ आप चाहें तो डायरेक्ट नहीं डालना है हमें, गुड़ जो है हमें भिगोकर पानी में फुलाकर ही डालना है। इससे क्या होगा कि जो गुड़ में इम्प्योरिटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, वो इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी। तो मैंने गुड़ को 10-15 मिनट पहले ही 1 कप पानी में भिगो करके रख दिया था। और हमें क्या करना है कि एक पतला कपड़ा ले लें आप, या फिर आप चाय की छन्नी ले लें, या किसी भी छानने वाली चीज़ से गुड़ की जो पानी एक्स्ट्रा जो होती है वो आप उसे छान करके ही इसमें डालें। आप डायरेक्ट ना डालें, क्योंकि जो गुड़ की इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इसमें चली जाएंगी, तो वो हेल्दी नहीं होती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। इसमें 1 चम्मच मैंने शक्कर ऐड किया था। बनाना वैसे ही मीठा होता है तो हमें ज़्यादा मात्रा लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कम मीठा खाते हैं तो। इसे छानते हुए हमें इस तरीके से डालना है पानी, लगभग 1-2 मिनट भूनने के बाद। पहले हमने बनाना ऐड किया, बनाना पेस्ट, फिर हम यहाँ पे गुड़ डालेंगे और अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रहे, आपको एकदम से हीट तेज़ नहीं करना है, ये सब काम हमें धीमी आंच पे करना है, ताकि बनाना जो पेस्ट है पानी डालने के बाद एकदम से थिक ना हो जाए। तो इस तरीके से हमने भून लिया है और अब मुझे थोड़ा सा घी इसमें और ऐड मैं कर रही हूँ। एक अच्छा सा टेक्सचर आएगा इसमें, थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी। आप चाहें तो घी का यूज़ कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है हलवे के अंदर घी या बर्फ़ी के अंदर, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है। आप इस फॉर्म में चाहें तो फ्रेंड्स इसे हलवा की तरह गार्निश कर सकते हैं। हाँ, उसमें आपको घी का मात्रा बढ़ाना होगा, थोड़ी सी आप घी और ऐड कर दें अगर आप इसे हलवे की तरह सर्व करना चाहते हैं तो। लेकिन आज मैं इसका बनाना बर्फ़ी बना रही हूँ। अब मैं इस स्टेज पे जो हमने रोस्ट नट्स लिए थे उसे मैंने क्रश करके रख लिया था, तो अब मैं इसे ऐड कर दूंगी। ये देखिए, और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। तो ये पैन को छोड़ने लग गया है, बहुत ही अच्छा डो के फॉर्म में आ जाएगा ये। और अगर आपको हलवा नहीं बनाना है, इसका बर्फी बनाना है, तो थोड़ा देर तक हम इसे और फ्राई करेंगे जब तक ये प्रॉपर डो ना बन जाए। फ्रेंड्स आप अगर चाहें तो इसमें खाने वाला जो फूड कलर आता है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 पिंच इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं खाते तो आप ना ऐड करें, इसमें एक बहुत ही अच्छा केसरिया कलर आता है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। अब मैं गैस को बंद करने वाली हूँ और अब हम इसे एक ऑयल से ग्रीस किए हुए प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स एक प्लेट ले लेना है हमें, और उस प्लेट में इसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया था और इसको हमें इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है और इसे ठंडा होने देना है लगभग। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर लें, क्योंकि हमें इसे बर्फ़ी बनाना है। तो इसे हम बहुत अच्छी तरह से दबा दबा कर हम इसे सेट कर लेंगे और लगभग 1 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज के अंदर रख देंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर आप इसको फ्रिज के अंदर डालें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेट कर लिया है स्पैटुला की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से, और अब मैं इसे फ्रिज में डालने जा रही हूँ। तो 1 घंटे के बाद मैंने इसे गार्निश कर लिया थोड़े से कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड पाउडर कोकोनट पाउडर के साथ, और थोड़े से और आलमंड्स के साथ, पिस्ता के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही यमी, बहुत ही हेल्दी बनाना बर्फी बन के तैयार है। तो प्लीज़ आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं, और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है या मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।